हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर ही लिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू में दिया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, है ना। मतलब हमें क्या दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से क्या करना है, सही उत्तर को चुनना है, ठीक है। और उसका औचित्य भी दीजिए, औचित्य का मतलब हमें यह भी प्रूव करके दिखाना है कि आंसर आया कैसे, ठीक है स्टूडेंट। तो भाई ये हमें क्या दे रखी है, एपी दे रखी है ना, क्या दे रखी है, एपी। तो ये ए है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड है, ठीक है। का क्या 30वां पद है, हमें क्या बताना है, 30वां पद बताना है। क्या बताना है बच्चों, 30वां। जैसे हमारे पास ये क्या है कि एन वा है ना, देखो वा वा है ना, ये कितना 30 है, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 30, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, 10, ठीक है भाई, है ना। और क्या चाहिए हमें, डी, क्या चाहिए, डी। तो डी क्या होता है, ए टू माइनस ए वन, कितना, ए टू माइनस ए वन। तो डी इज इक्वल टू ए टू, ए टू की वैल्यू कितनी है, 7, माइनस ए वन, ए वन की वैल्यू कितनी है, 10। तो कितना आ गया ये, डी बराबर -3, ठीक है स्टूडेंट। डी इज इक्वल टू कितना आ गया है, -3। डी की वैल्यू थर्ड टर्म में से अगर टू टर्म्स भी क्या कर दे, माइनस कर दे, तो तब भी क्या निकाल सकते हैं, हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 4 में से 7 गया, कितना बचा, -3, ठीक है। और इन्हें कहा कि 30वां पद है ना, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट, 30, कितनी आ गई, 30। और इन्हें कहा 30वां पद, 30वां पद का मतलब है कि ए 30 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, तो एपी का एनवा पद कितना होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें चाहिए कौन सा भाई, 30वां पद है ना, तो एन की जगह कितना आ गया, 30। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, 10 प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी हमारे पास, 30 है ना, कितनी है, 30। तो 30 माइनस वन, डी कितना है, -3। तो देखो ये माइनस की वैल्यू है, तो इसलिए इसे क्या रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, इसका थोड़ा ध्यान रखना भाई। 30 में से गया कितना बचा, 29, और इसकी मल्टीप्लाई क्या है भाई, -3 से करेंगे हम, ठीक है। 10 एज इट इज, देखो प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 9 27 का 7 कैरी 2 है ना, 3 6 6 2 8, और ये प्लस माइनस माइनस, 87 में से 10 गया कितना बचा, 77, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस। तो जो हमारे पास ए 30 आया वो कितना आया बच्चों, माइनस के 77। तो देखो 77 है क्या, तो ये रहा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या करेक्ट आंसर, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में भी क्या करना है, यही करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन, है ना, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, -3। डी की वैल्यू कितनी है, ए टू माइनस ए वन, डी बराबर ए टू, ए टू कितना है, -1/2, और ए वन, ए वन की वैल्यू कितनी है, -3। एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस, ठीक है। इसके फोन में आप वन मान लो, इसे सोल्व कर लो, -1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -1, प्लस 3 × 6, 2 × 1 = 2। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस प्लस माइनस, तो 5/2, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या चाहिए, 11वां पद, कितना है, 11वां पद, तो एन की वैल्यू कितनी होगी भाई, 11। वही ने कहा 11वां पद, 11वां पद का मतलब है कि ए 11 हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। क्या करना है, ए 11 में फाइंड करना है, तब क्या करेंगे, एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद। तो एपी का एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है स्टूडेंट। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन, एन की वैल्यू कितनी हमारे पास, 11 बराबर ए, ए की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है, 11 -1, डी, डी की वैल्यू कितनी है, 5/2, डी की वैल्यू कितनी है, 5/2, ठीक स्टूडेंट। माइनस के 3 प्लस, इसे कितना बचा, 10 × 5/2 है ना। देखो 11 में से गया कितना, 10, 2 से इसे आप कट कर दो है ना, कितना बचा ये, 2 × 5 = 10, 5 × कितना, 5, ये माइनस के 3 प्लस, 5 × 5 = 25, और ये माइनस प्लस माइनस, 25 में से 3 गया कितना बचा, 22। तो ए 11 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई स्टूडेंट, 22, ठीक स्टूडेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बने रहिए हमारे साथ सक्सेस क्लासेस के साथ।